माइनिंग, कोल, डिफेंस, ये ऐसे सेक्टरों के खुलने के भी काफी नई संभावनाएं बनी हैं। क्या हम अभी से इन सेक्टर्स के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट के लिए कोई रणनीति बना सकते हैं? आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे और ग्लोबली कॉम्पीट भी करना होगा। साथियों, इस बजट में क्रेडिट फैसिलिटेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए एमएसएमईज को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने एमएसएमईज के लिए 6000 करोड़ रुपए का आरएएमपी प्रोग्राम भी अनाउंस किया है। बजट में लार्ज इंडस्ट्री और एमएसएमईज के लिए, किसानों के लिए नए रेलवे लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया गया है। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क के इंटीग्रेशन से स्मॉल एंटरप्राइज और रिमोट एरियाज के कनेक्टिविटी की दिक्कतों का समाधान होगा। हमें इस क्षेत्र में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विकसित करने हैं और इसमें भी आपका सक्रिय योगदान आवश्यक है। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम बजट का एक हिस्सा भी है, जो विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के लिए है। लेकिन इस कल्पना को हम देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसका भी एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में रिफॉर्म से हमारे एक्सपोर्ट को काफी बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपने वर्तमान एसईजेड की कार्यप्रणाली में किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं, इस बारे में आपके सुझाव अहम होंगे।